तो सभी को गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके। सॉरी आपकी दो तीन क्लासेस में ले नहीं पाया, तो एक दो और नहीं लूंगा जैसे कि कल, कल के बाद हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। आप लोगों को तो मजा ही आ रहा होगा, छुट्टी हो गई है, नहीं आ रहा, पढ़ने वाले बच्चे हो। ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लॉ के टोटल सिलेबस के अंदर हमने एक चैप्टर कर लिया है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ऑल वेल, किसी बच्चे को वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने नोट्स प्लस ICAI के मॉड्यूल दोनों को कवर कर दिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो सारी क्लासेस मैंने अपलोड की हुई है, जो डाउट है वो जाके देख लो और आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगी वो वाली। अब सुने आज की क्लास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 9 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसके अंदर, कितने, 9। हम इस चैप्टर को नोट नहीं करेंगे, ठीक है। नोटिंग क्या करनी है आपको, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने पूरा नोट करवाया, अगर इसको नोट करने बैठे तो 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। ये जो पिछले वाले बैच में करवाया 3 महीने में नोटिंग हुई है, बट उनके पास समय बहुत था। आपका एग्जाम पास ही है तो हम ये रिस्क नहीं लेने वाले। तो क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा, जरा सुनो। 9 नंबर ऑफ यूनिट है, पहले एक यूनिट को नोट से पढ़ रहे और प्लस उसी यूनिट को स्टडी मैट से पढ़ रहे। ऑल वेल, और ये मेरा वादा है, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है किसी स्टूडेंट का आप नहीं देखोगे जितना तगड़ा आपका होगा, ये मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ। एक दो क्लास में पता लग जाएगा। दो तीन चीजें सुन लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर आने वाला है वो यही आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तकरीबन 35 मार्क्स आप लगा के चलो, कितने नंबर, मतलब 35 to 40। आपको लगभग लगभग पास कराने के लिए एक अलग अकेला ये चैप्टर काफी है, सही है। तो तगड़ी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक बीच की कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लास मिस बिल्कुल नहीं, वैसे आप लोग नहीं करते हो, बहुत सिंसियर बच्चे हो आप सब, ठीक है। सिंसियरिटी हमसे पूछ, अपने मन में तुम सोच रहे होगे, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट नंबर एक, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है, सुनना है बहुत अच्छे से। देखो भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट का मतलब आप सभी को पता है कानून होता है। ऑल वेल, एक्ट मींस लॉ। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार रिपीट करता हूं। जब भी, फिलहाल हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, जब भी भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरीके से लगता है, ऐसा फील होता है कि इस चीज पर डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या कर देती है, वो उस चीज का कानून बना देती है। जब भी कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट तो समझते हो ना, लड़ाइयां, तो फिर उन लड़ाइयों को सुलझाना इतना आसान नहीं होता। वो आपस में लोग कट रहे, पिट रहे, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो सरकारें ये बात बोलती है कि आप लोगों की लड़ाई को सुलझाने के लिए भविष्य में कभी कोई ज्यादा लड़ाइयां ना हो, और अगर लड़ाई हो भी गई तो उस समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो कानून बनाती है। और ये जो एक्ट है वो एक कानून है। ऑल वेल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये जो कानून है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो शब्द है इंडियन, ये तो आप लोग को पता ही है, आप लोग सभी भारतीय हो, और बीच में क्या शब्द है, कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कुछ पुरानी बातें करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक बार आप लोग ये बताएं।
क्या समझते हो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? बेटे एक बार मैम से बोतल ले लोगे, बोलना सर पानी की बोतल मंगा दे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये तो पढ़ने लिखने वाली बात हो गई, ठीक है? नॉर्मली लाइफ की बात करो, समझो सौदा या समझौता। आपका नाम क्या है? लिखित, बहुत अच्छा नाम है। हाँ भाई तुम बताओ क्या कह रहे थे? जब दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ये भी अच्छा है। और नॉर्मल लाइफ की बात करो, मान के चलो अभी आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, ये लॉ के बारे में पता हुआ आंसर है। देखो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सिंपल मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में किसी चीज पर एग्री करते हैं, क्या करते हैं? एग्री करते हैं, तो एक तरीके से उनके बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अभी बताता हूं किस तरीके से। SOL का पेपर कब से है? अच्छा आप सभी तो अभी अभी नहीं आए हो मार्केट में, है ना? अभी सुबह आप लोग कैसे आए? कोई ऑटो ऑटो से आया क्लास में? ऑटो से आए हो? सुनते रहना बेटे शांति से बिल्कुल। तो ऑटो कहाँ से? ये अपना खानपुर अंदर। तो ऑटो वाले से जनरली हम लोग बोलते हैं, ऑटो ऐसे रोकते हैं, दिल्ली में तो ऐसे ही करते हैं, दोनों हाथ ऐसे दे दिया। अब उसके मूड पे डिपेंड है वो ब्रेक मारेगा या नहीं मारेगा। उसकी जेब में दारू पीने का कैश कम है तो ब्रेक मार देगा, कैश ज्यादा है तो ऑटो वाला ब्रेक नहीं मारेगा। इनके भाव हमसे भी ज्यादा है। तो मान लो तुमने ऐसे हाथ दिया, ऑटो वाले भैया आए, तो हम ऑटो वाले भाई को बोलते हैं कि शेख सराय जाना है, चलोगे क्या? ठीक है, तो ऑटो वाला बोलेगा या तो हाँ या तो ना। चलो बोल दिया उसने कि हाँ जी शेख सराय चलेंगे, बैठ जाइए। फिर बात होती है पैसों की। वैसे कानून तो ये है कि पैसों की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटो में क्या लगा होता है, लेकिन दिल्ली वाले हर ऑटो वाले का मीटर खराब होता है। आप किसी से पूछना मीटर से चलो, वो मीटर मीटर खराब है, वो कल चालू करेंगे, उनका ये भी बहाना होता है। आपने उनको बोला कि शेख सराय चलना है, उन्होंने कहा कि जी चलेंगे, 100 रुपए लगेंगे, आप बैठ गए। तो आपने उनको दिया एक ऑफर, क्या दिया? ऑफर दिया, यस और नो? हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल, अभी कोई कानून की बात नहीं होगी। मैंने आपको बोला, मान लो आप में से कोई ऑटो ड्राइवर है, तो आपको बोला कि मुझे शेख सराय जाना है, क्या चलोगे? तो कहता जी हाँ चलेंगे। तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे? उसने कहा 100 रुपए लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक दोनों किसी चीज पर एग्री हो गए, हुए या नहीं? मैं 100 रुपए पे एग्री हुआ, वो शेख सराय जाने पर एग्री हुआ। ऑटो में मैं बैठ गया। अब ऑटो में बैठा मैं खानपुर से, मान लो खानपुर से बैठा, और पुष्प विहार की रेड लाइट पे ऑटो वाले ने ऑटो साइड में लगाया कि भाई साहब उतर जाओ। तो जी क्यों उतरूं? तो उतरने के कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है टायर फट गया हो सकता है सीएनजी बिल्कुल खत्म हो गई हो सकता है कुछ गैस लीक हो गई, तो वो एक जेन्युइन कारण है या नहीं? इनमें से कुछ नहीं था, कह रहा उतर जाओ मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है। ऐसा मन बोलिया, क्या मेरा मन नहीं करा ले जाने का, मुझे पागल है तू, मेरा पेपर है आधे घंटे में, मान लो एग्जाम है, क्या नहीं नहीं मैं नहीं ले गया, निकल यहां से। अब क्या होगा? देखो दिल्ली वाले की लैंग्वेज में मत बोलना कि कूटेंगे, कूटेंगे नहीं, कानूनी लैंग्वेज में क्या करें अब उसके खिलाफ? कानून की बात करनी है अभी, है ना, मारना वरना नहीं है किसी को। उस बंदे ने क्या किया, सामने वाले पर्सन ने, जो हम दोनों किसी बात पे एग्री करा था ना हमने, उसने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। इसको कहते ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना। तो क्या मैं उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता हूं? आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इस बात पे लीगल एक्शन लेंगे। मान लो अभी जैसे मेरी बेटी हुई, ठीक है, 23 तारीख को सुबह पढ़ा के गया था तुम लोगों को मैं,
23 को क्लास तो ली थी और शाम को मैं घूम रहा था उसके साथ, फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल गया वहां। तो अब मान लो कि मेरी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, और अब मैंने ऑटो रोका, मैं कहा भैया हॉस्पिटल चलो, उसने कहा ठीक है चलेंगे। मैं कितने लोग हैं? 200 रुपये। मेरे बैठ गए हम। अब वो रास्ते में मुझे कहीं रोक दे, बताओ, अब तो भाड़ में जाए कानून, बहुत मारूंगा है ना। चलो कानून की बात करते, क्या अब मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं? 100% ले सकता हूं, यस। तो ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये हमें ये चीज बता रहा है कि आपस में जो दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं, तो कब आप लीगल एक्शन ले सकते हो, कब आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, अगर लोगे तो कैसे लोगे, ये चैप्टर हमें ये चीजें बताएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग पर डे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज से पता लगेगा आप लोगों को। अब जैसे मैं लॉ का टीचर हूं, अब तकरीबन 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 10,000+ स्टूडेंट पढ़ा दिए, और पिछले बार 51, 52, 53, आपका शायद 54th बैच पढ़ा रहा हूं, 54th बैच है ये वाला, तो आपसे पहले 53 बैच पढ़ा चुका हूं। तो अब दिमाग में यही चलता है, जैसे कभी कोई ऑटो वाला कहते भाई तो ब्रीच कर रहा है, तो ये गलत बात है, उसको समझ नहीं आता क्या 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 क्या। अभी आज से ना आपके दिमाग में भी यही चला करेगा, हम लोग डेली मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बनाते, हमें पता ही नहीं चलता। सुबह किसी की मम्मी ने डोलची दी थी, डोलची दूध लाने के लिए दी थी, मदर डेयरी गए थे तो दूध लेकर जब आए थे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो आप 4 लीटर दूध लेकर आए, पूरे परिवार ने रात को दूध पिया, सुबह उठाई नहीं कोई, ठीक है। हाँ तेरी बात नहीं कर रहा, मतलब आम जिंदगी की बात कर रहा, तो बताओ अब क्या किया जाएगा? कुछ तो दिक्कत है। तो पता चला दूध ही वो गाय का नहीं था, बैल का दूध था वो, ठीक है। तो दूध बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए। मतलब हम सुबह से लेकर रात तक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, हमें पता नहीं होता। मैडम से बात करने आए थे रिसेप्शन पे, कहो खुश कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है खुश? तो मैडम से बात करने आए थे, मैम को आपने ऑफर दिया था कि हमें पढ़ना है, यस और नो? मैम ने हाँ या बोला था ना, हम मना नहीं करते किसी को, ना तो यहाँ है ही नहीं, हाँ ही है। शर्त यह है कि आप सीए, सीएस या सीएमए करते हो। तो आपने हमें ऑफर दिया कि हमें पढ़ना है, सीए फाउंडेशन करना है या सीएमए फाउंडेशन करना है या सीए इंटर करना है, तो हम आपको एक्सेप्टेंस देंगे। हमारे और आपके बीच में क्या हो जाएगा? एक एग्रीमेंट। अच्छा, आप लोगों ने फी दी होगी तो आपको स्लिप मिली होगी, वो स्लिप क्यों लिया आप लोगों ने? मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मी को हम पे भरोसा नहीं है, इससे भरोसा होगा? नहीं, स्लिप क्यों दी गई है? एक एविडेंस है भाई, कल को हम आपको मना कर दे नहीं पढ़ा रहे जाओ, हमारा मन नहीं कर रहा, तो आप हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है। अब ना आपसे कुछ नॉर्मली बातें करते हैं, अभी एक बेस बन रहा है आप लोगों के दिमाग में, अभी पता नहीं चलेगा, जैसे नोट्स पे आऊंगा समझ जाओगे। अभी बर्थडे है किसी का आने वाले समय पे? है कोई यहाँ पे बर्थडे बॉय? यस। कब है? अगस्त तो बहुत दूर है, तुम्हारा कब है? 3 जून को भाई का बर्थडे है, धर लेना इसको बेटे। 3 तारीख को खाली हाथ मत आ जियो, कम से कम 200 समोसे और कोल्ड ड्रिंक कम से कम 20 बोतल, ठीक है? अब कह रहा छुट्टी मारूं। नहीं तू आ रही हो, ठीक है। अच्छा, भाई का जन्मदिन है 3 तारीख को, ठीक है, तो 3 को जन्मदिन है, मान लो 2 तारीख को, एक दिन पहले जन्मदिन से इसने हम सबको बुलाया कि सर और आप लोग
इनके दोस्त कि भाई मैं पार्टी दे रहा हूँ 3 तारीख को, आप क्या सभी क्या आप सभी पार्टी में आओगे? भाई पहले ये बताओ ये ऑफर है या नहीं? इसने हम सबको क्या दिया? अब हम सब इसको क्या देंगे? हम तो भारतीय हैं, खासकर दिल्ली वाले बिना बुलाए जाते हैं, ये तो फिर भी बुला रहा है, तो मना करेंगे क्या इसको? तो हमने इसको दे दी एक्सेप्ट, ठीक है। अब 3 तारीख को इसने क्या करा, अरेंजमेंट किया हुआ है, बढ़िया छोले चावल नान बटर नान ये वो फलाना मिठाई विठाई सब तैयार है। अब 3 जून को मेजर लोग, ज्यादातर लोग जो है इसके फंक्शन में नहीं पहुंचे, कुछ रीजंस होते नहीं पहुंचे, तो क्या अगली सुबह साकेत कोर्ट जाओगे? जैसा मेरा शाही पनीर खराब हो गया, इनमें से कोई आया नहीं, जाओगे कोर्ट? क्यों नहीं जाओगे? तो देखना, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फर्स्टली यू हैव टू गिव द ऑफर, फर्स्टली यू हैव टू गिव, और फिर ऑफर का आपको मिलेगा क्या? एक्सेप्टेंस। ऑफर का क्या मिलेगा? और कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से सुनना, नॉट रिस्पॉन्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऑफर दिया और सामने वाले ने मुझे क्या दिया? ऑफर और एक्सेप्टेंस को जब आप जोड़ देते हो तो बन जाता है क्या? एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन ले सको उनको आप क्या कहते हो? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन ले सको इसको कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल, ऐसे एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर सकते हो, मतलब लीगल एक्शन ले सकते हो, वो चीज क्या होती है? जैसे कि इस भाई ने हमें अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था और हम लोगों ने एग्री भी किया, मतलब ऑफर इसने दिया, हमने एक्सेप्टेंस भी दी, हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया, लेकिन ये एग्रीमेंट आपके सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस का नाम, लॉ के बुक का पहला पेज खोलो, क्या नाम है? बिजनेस लॉज। तो आपके सारे एग्रीमेंट भी कौन से होने चाहिए? बिजनेस एग्रीमेंट, ऑल वेल। और ये वाला जो एग्रीमेंट था ना, वो सोशल एग्रीमेंट था। कौन सा? और सोशल एग्रीमेंट में आप कभी भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, और जो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती वहां पर आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ऑल वेल, कैसा लगा जी? बढ़िया है, कोई दिक्कत? जरा अच्छे से सुनना, अभी कुछ नहीं बताया मैंने। अब इसके जरा जन्मदिन की बात कर ली जाए, इसका जन्मदिन कब आता है सर? तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जन्मदिन बताया था, कब आता है? 1 जुलाई। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसका पुत्र है, मतलब बेटा है। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉज द 7th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 को। उस वक्त की जो इंडियन पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश के अंडर में थी, उस पार्लियामेंट में इस कानून को पास किया गया था। तो ये कानून कब आया? 1 सितंबर 1872। ऑल वेल, कोई दिक्कत जी? 1 सितंबर 1872 को आया, और आप लोगों को इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, एक से शुरू आज किया है, 9 तक जाएंगे कंटिन्यूअसली। ऑल वेल। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मेरे प्यारो बहुत अच्छे तरीके से सुनना है आप सभी को। यहां लिखा है सेक्शन नंबर 2 और ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है, और हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 ये क्या है, कैसे पढ़ू उसको, ये मेरे बच्चे हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। क्लॉज होते हैं क्या, स्मॉल अल्फाबेट्स। आपको अभी नहीं पता, मैं बताता हूं, जो भी डिजिट होगा बिना ब्रैकेट में उसको सेक्शन बोलेंगे। जैसे 2 है, डिजिट है लेकिन बिना ब्रैकेट का है, तो ये सेक्शन होता है। कोई डिजिट अगर विद इन ब्रैकेट होता है तो वो सबसेक्शन होता है, और कोई स्मॉल अल्फाबेट विद इन ब्रैकेट होता है तो उसको बोलते हैं क्लॉज। ऑल वेल। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ये बात बोलता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट होगा, और ऐसा एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको, वो चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऑल वेल। मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आप लैपटॉप खरीदने गए, तो मान लो मैं ही गया लैपटॉप परचेज करने के लिए। अभी आप नोट मत करना, आपने कब नोट करना है, या आपको पीडीएफ शेयर करूंगा हर यूनिट की, मतलब ये आज ही कर दूंगा, आप नोट करना और साथ साथ में पढ़ेंगे, हम घर पे नोट करना, ठीक है, यहां नहीं करना आज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करना, बाकी के चैप्टर करवाऊंगा। तो एन एग्रीमेंट, बट इसी कॉपी पे होने चाहिए घर जाके नोट, मैं चेक करा करूंगा आपकी कॉपी। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूं, आज मैं गया लैपटॉप खरीदने, तो लैपटॉप की दुकान पर मैं लैपटॉप वाले को एक ऑफर देता हूं सबसे पहले कि सर मुझे लैपटॉप खरीदना है, क्या आप लैपटॉप बेचोगे, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, लैंग्वेज अलग हो सकती है बट तरीका वही होता है, हमें देना ऑफर ही होता है। तो मैंने उसको ऑफर दिया, सामने वाले ने मुझे क्या दी होगी, अगर लैपटॉप वो बेचता है तो एक्सेप्टेंस देगा, क्लियर है। फिर बात होती है पेमेंट की, मैंने कहा कितने रुपए का लैपटॉप है, उसने कहा 80,000 का, मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं उसको 80,000 दूंगा, वो मुझे क्या देगा। तो बेटे मेरे, इस चीज को बोलते हैं कंसीडरेशन। क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। इसका पूरा यूनिट नंबर 2 पूरा कंसीडरेशन का है, और कंपलसरी बहुत बड़े लेवल पर क्वेश्चन वहां से आता है। कंसीडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आपको बदले में कुछ मिल रहा है, उसको आप क्या कहते हो, कंसीडरेशन। जैसे मैंने उसको पैसे दिए तो मुझे बदले में क्या मिला, उसने मुझे लैपटॉप दिया, उसको बदले में क्या मिला, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, बताओ ये सोशल एग्रीमेंट है या बिजनेस। मैं लैपटॉप लेके घर आ गया, लैपटॉप स्टार्ट किया, लैपटॉप में कोई समस्या आ गई, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई लैपटॉप को आप सही करो। अब मान लो वो लैपटॉप नहीं सही कर रहा, कोई बहाना मार रहा है, या सही किया बट सही से सही नहीं किया, उसको मैंने 1-2 बार 3 बार बोला बार बार, फिर भी बात नहीं मान रहा, अब क्या किया जाए। अब मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन, क्योंकि मैंने और उसने एक बिजनेस एग्रीमेंट बनाया था, और बिजनेस एग्रीमेंट हमेशा कोर्ट में जाकर आप दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ऑल वेल। तो सुनना जरा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय, तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट बनता है हमें देना है एक ऑफर, और उस ऑफर के बदले मुझे क्या मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, और ऑफर के बदले आप मुझे क्या देने वाले हो, एक्सेप्टेंस देने वाले हो।
तो देखो ऑफर है, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर रुपीज 5 लाख। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या आप मेरी कार को 5 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे, ये मैंने क्या दिया? तो अब आप या तो हां बोलोगे या ना बोलोगे। मान लो आपने हां बोला, यस आई विल बाय योर कार फॉर रुपीज, तो कार और 5 लाख रुपीज क्या हो गया? कंसी। जिस बंदे ने ये ऑफर दिया है वो मिस्टर एक्स है, इसको मैं बोलूंगा क्या? ऑफरर। द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन इज कॉल्ड ऑफरी या एक्सेप्टर। ऑल वेल। तो दोनों के बीच में ये बात आ गई। अब मान लो कल को मिस्टर वाई ने 5 लाख रुपए की जगह 4 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए नहीं दे रहा, तो क्या एक्स वाई पर लीगल एक्शन ले सकता है? मान लो वाई ने 5 लाख रुपए दिए लेकिन बदले में जो गाड़ी मिली वो गाड़ी का इंजन बिल्कुल डैमेज था, ये बात एक्स ने छुपाई, क्या वाई उसके खिलाफ केस कर सकता है? तो हां जी कर सकता है, क्योंकि दोनों ने क्या बनाया? एग्रीमेंट। तो 1872 से पहले भी एग्रीमेंट बना करते थे। कानून कब आया? 1872। उससे पहले राजा महाराजा टाइप होते थे, मुगल्स थे, है ना, उससे पहले और भी दूसरे दूसरे समुदाय के लोग थे, तो वहां पर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, उनके कानून भी हुआ करते थे। बट 1872 से एक पूरा प्रॉपर कानून बनाया गया, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स जो हैं वो लोगों के बीच में वो बढ़ने लग गए। एक व्यापारी ने सामान दिया, उस व्यापारी को सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, या व्यापारी ने गलत सामान दिया, पेमेंट पूरी ले ली, तो ये केसेस बहुत होते थे। अब इन केसेस से निपटारा पाने के लिए वो ये वाला कानून लेकर आए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर सारी समस्याओं का समाधान है। आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज का डिटेल होगा, ऑफर का अलग डिटेल आएगा आगे, एक्सेप्टेंस का अलग डिटेल आएगा आगे, कॉन्ट्रैक्ट का फिलहाल मैंने आपको मतलब बताया। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। तो फिर यहां पर जो एग्रीमेंट शब्द है, ये एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इस एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है इस एक्ट ने। एक्ट एग्रीमेंट की डेफिनेशन देता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। ऑल वेल। तो कहते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। जैसे मैंने ऑटो वाले को रोका, मैंने कहा भैया शेख सराय चलोगे? कहता हाँ चलेंगे। मैं कितने पैसे लोगे? कहता 100 रुपए लेंगे। मैं कहा बैठ जाऊं? उसने कहा बैठ जाओ। तो मैंने उससे 100 रुपए देने का प्रॉमिस किया और उसने मुझसे क्या प्रॉमिस किया? तो ये हो गया सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या हो गया? और एवरी प्रॉमिस का मतलब होता है, आगे जब हम कंसीडरेशन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट देने का वादा किया इन राइटिंग कि भाई मैं आपको एक गोल्ड की चेन गिफ्ट करूंगा आपके जन्मदिन पे। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसने मुझसे गिफ्ट देने का वादा किया, मैंने कहा जरा लिख दो, लिख के दो जरा। उसने लिख के दिया, मैंने उसको थैंक यू बोला। उसने मुझसे वादा किया ना गिफ्ट देने का, मैंने उससे क्या वादा किया? कुछ भी नहीं। इसको बोलेंगे एवरी प्रॉमिस। कुछ आया समझ में? और कल को वो गिफ्ट नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ एक्शन। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है। आप किसी से वादा अगर करते हो, अब जैसे किसी टेम्पल को मैंने वादा किया कि जी हम 1 लाख रुपए में आपको 1 तारीख को दूंगा, टेम्पल ने थैंक यू बोला। अब मेरे वादे को मैंने पूरा लिख के टेम्पल को दिया, अब टेम्पल वाले ने मेरे वादे के अनुसार अपनी मंदिर में सीमेंट वगैरह मंगवा लिया कि टेम्पल को क्या किया जाएगा, और 1 तारीख को मैंने उनको पैसे, तो वो टेम्पल मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था। उन्होंने कोई प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस किया, क्या
क्या सोशल वर्क? सोशल एग्रीमेंट और सोशल वर्क बहुत डिफरेंट होते हैं। सोशल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को कुछ, जैसे पार्टी वार्टी में नहीं होते, गेट टुगेदर, उनके लिए बुलाने का एग्रीमेंट होता है। सोशल वर्क एक डिफरेंट चीज है। और मैं सोशल वर्क अगर किसी को चैरिटी करने का वादा कर रहा हूं और बाद में मुकर रहा हूं, तो फिर उसने आगे जो इतनी सारी कमिटमेंट्स की होंगी उसकी कमिटमेंट खराब नहीं हुई? मतलब तूने अगर चैरिटी करने का वादा किया तो कोई एहसान थोड़ी किया, और अगर वादा किया तो वादा निभा, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती। मान लो भूकंप आ गया, जिसने वादा किया था उसी का घर टूट गया, क्या करेगा वो? थोड़ी देगा तब पैसे। लेकिन आप ऐसे वादे किसी को नहीं कर सकते। अभी करेंगे आगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल प्रॉमिस शब्द समझ में आया। प्रॉमिस मतलब जो एक पार्टी ने सामने वाले को दिया है, सामने वाले ने कुछ नहीं दिया। जनरली सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं, 99.999% सेट ऑफ प्रॉमिसेस वाले एग्रीमेंट बनते हैं। ऑल वेल, जैसे आप हमें फीस दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? बदले में आपको हमारी सर्विसेज मिल रही है। तो देखो, आपको कंसीडरेशन में क्या मिला? सर्विसेज, फाउंडेशन की तैयारी पूरी, और आप हमें उसके बदले क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो, हमें पैसे मिल रहे। कुछ आया समझ में? तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये वर्ड है क्या? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए। बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे मान लो मैं फ्री फंड में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे YouTube पे मैंने लास्ट सेशन में एक पूरा सिलेबस लॉ का डाला, तो मैंने फ्री बोला कि भाई मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। तो जब मैंने फ्री में बोला तो क्या मेरा किसी से कोई एग्रीमेंट हुआ? अब किसी ने मेरे को, मेरे खिलाफ केस कर दिया, जी आपने तो यहां पर कमी करी, आपने वहां कमी करी, ये पागल है तू, तेरा मेरा कहां कोई रिलेशन है किसी भी प्रकार का? कुछ आ रहा समझ में? तू मुझे कंसीडरेशन देता, फिर मैं तुझे कंसीडरेशन देता, हमारे बीच में सेट ऑफ प्रॉमिसेस बनता, तब जाके हमारे बीच में क्या बनता, और तब जाके तू मेरे बीच, मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। अगर मैं आपको फ्री कह रहा हूं और फिर बाद में पैसे चार्ज कर रहा हूं, बिल्कुल ले सकते हो, बशर्ते आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉमिस प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है? करेंगे, सारी बातें करेंगे अगली 4-5 क्लासेस में। एक सिंगल डाउट आपका नहीं रहने वाला, वैसे अभी भी नहीं होगा। तो देखो जी, दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, पहले कॉन्ट्रैक्ट की बताई। कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। फिर हमने बात करी किस चीज की? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऑल वेल, अब एक शब्द और है प्रोमिस, तो जरा प्रॉमिस का मतलब भी समझ लो। प्रॉमिस का मतलब होता है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। मैंने आपसे बोला कि जी मैं आपको 9 नंबर ऑफ यूनिट्स कराऊंगा 3,000 रुपए में, मान लो ऐसी बात कर रहा हूं, तो आपने कहा ठीक है सर डन, हम आपको 3,000 रुपए देंगे। तो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और हम दोनों के बीच में क्या बन गया? अब देखो, आपने क्या प्रॉमिस करा 3,000 रुपए देने का, मैंने क्या प्रॉमिस करा 9 नंबर ऑफ यूनिट्स कराने का। इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिसेस।
ऑल वेल। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एंड प्रॉमिस का मतलब होता है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यूनिट वन का। तो अब मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, इस वर्ड से। तो मेरे बच्चे, एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं। एक मेरा कौन सा एग्रीमेंट होता है और एक मेरा क्या होता है। देखो, जब भी मैं कोई बिजनेस एग्रीमेंट किसी से बना रहा होता हूं ना, तो वहां पर ऑलवेज मेरी इंटेंशन होती है कि मैं उसके साथ में लीगल रिलेशन बना रहा हूं। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो बिल मांगते हो या नहीं? क्यों मांगते हो बिल? आपके मन में ये जरूर कहीं ना कहीं है कि कल को कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसके खिलाफ एक्शन तो ले सकता हूं, तो एक्शन का कोई एविडेंस तो होता है। तो वहां पर मैं ना बिजनेस एग्रीमेंट बना रहा हूं, ऐसे एग्रीमेंट जहां मेरी इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की हो। आप मोबाइल फोन खरीदने जाओ, वो आपका बिजनेस एग्रीमेंट है। आप कोई भी चीज पैसों में खरीदने जा रहे हो ना, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो वो आपका कौन सा एग्रीमेंट हो गया? बिजनेस एग्रीमेंट। जहां हमेशा आपकी इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी इंटेंशन है लीगल रिलेशन बनाने की, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है? एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स लीगल हेल्प कैन बी टेकन। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है और एग्रीमेंट ये पहले से ही है बिजनेस एग्रीमेंट, तो क्या बन गया, क्या बन गया? आया कुछ समझ में? तो बिजनेस एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते। अब बात करते हैं सोशल एग्रीमेंट की। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की कभी भी इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की। जैसे मैंने आपको, भाई मेरी बिटिया हुई है, मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि चलो जी पार्टी में आ जाना, ठीक है, बोलूंगा नहीं क्योंकि पार्टी अभी नहीं कर रहा हूं। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि पार्टी में आ जाना, ठीक है, कल कल पार्टी में आ जाना। तो कल मेरा फंक्शन है, कल सब पार्टी में आएंगे, आओगे? एक बार बोलो ना हाँ। तो देखो, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे क्या दिया? अब मान लो कि कल या तो मैंने पार्टी नहीं दी या आप लोग पार्टी में नहीं आए। मान लो मैंने अरेंजमेंट किया, आप लोग नहीं आए, तो क्या सबके घर में जो है मैं कोर्ट का लेटर पहुंचवाऊं कि जी हमारा खाना खराब हो गया, इज्जत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया? एक्चुअली मैं जब आपको ये ऑफर दे रहा था तो उस समय मेरा ऐसा इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन बनाने का, शायद आपका भी नहीं था, नहीं होगा, था किसी का? अच्छा, अब नहीं बुलाया तो केस करूंगा, सोचा कभी किसी ने? सही है। जैसे कि अमूमन क्या होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें शादियां बहुत होती हैं, हमारे पास भी शादियों के कार्ड आते हैं और बहुत सारे कार्ड आते हैं। अब तो कार्ड का सिलसिला भी खत्म हो चुका, अब तो व्हाट्सएप कर देते, पहले इस बहाने मिल लेते थे, अब तो व्हाट्सएप पे, फिर खुद ही देखते हैं अच्छा आए नहीं आए, पहले आते थे लोग घर पे, अब नहीं आते। चलो जी, किसी कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल डे में 10-10 इनविटेशन आ जाते। अब देखो, हमारा जो काम है, हम लोगों का एज टीचर एक दिन में 300-400 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन बन जाते हैं। तो मान लो कि एक दिन में मेरे पास एक ही दिन शादी के 10 कार्ड आ गए। पहला कार्ड आया, उन्होंने कहा जी 10 नवंबर की शादी है, सर आपको आना है, ये लीजिए कार्ड। मैं क्या बोलूं जी, नहीं आऊंगा, चाहे जाऊं या नहीं जाऊं, मैं क्या बोलता हूं हमेशा? जरूर जी, पक्का आएंगे। अगला कार्ड भी 10 नवंबर का, तीसरा भी 10 नवंबर का, चौथा भी 10 नवंबर का। अरे ऐसा हुआ हुआ है, अभी लास्ट ईयर ही हुआ था,
लास्ट टू लास्ट ईयर की सिंगल डे की शादी थी 10 नवंबर की, और 11 शादी के कार्ड मेरे पास आए हुए थे सेम डे, 11 शादियों के कार्ड थे। मैं एक में भी नहीं गया, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया और फिर नहीं जा पाया, उस दिन क्लासेस वगैरह थी तो नहीं जा पाया। अब मान लो सुबह 11 तारीख को मैं सुबह सुबह उठता हूँ और मेरा गेट खोलता हूँ, मेरे लेटर बॉक्स के अंदर जो है कोर्ट के 10 नोटिस कि जी आप शादी में नहीं आए, जरा कोर्ट आ जाओ अब, तो मेरी जिंदगी तो कोर्ट के धक्के खाने में लग जाएगी, क्योंकि हमारा पब्लिक गैदरिंग तो कुछ ऐसा ही है कि हमें बहुत इनविटेशन आते हैं, हम लोग जा ही नहीं पाते। संडे वगैरह को, संडे इसको भी इतने होते हैं कि 4-5 जगहों पर होता है, तो कैसे करते हैं, एक जगह चले गए लिफाफा दे दिया, दूसरी जगह चले गए लिफाफा दे दिया, तीसरी जगह चले गए कुछ अच्छा खाने का है अपनी पसंद का तो खा लिया, चौथी जगह चले गए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 जगह, वो भी नहीं जा पाते। तो जहां नहीं गए तो क्या वो केस कर देगा? एक्चुअली क्या था, जब उसने हमें ऑफर दिया था तो उसके मन में कोई इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन को बनाने का, और जब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है तो पक्की बात है एनफोर्सिबल बाय लॉ, पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट के साथ क्या चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ सोशल एग्रीमेंट में ऑल वेल। तो एक कंक्लूजन निकला मेरी बातों से, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, होते हैं नहीं, देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर क्या है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आया समझ में, बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब आओ जरा टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, हमारी क्या हो रही है इंटेंशन। एक होता है हमारा सोशल एग्रीमेंट, एक होता है मेरा क्या बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में मेरे प्यारे बच्चे हमारी इंटेंशन नहीं होती, नो इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट लीगल रिलेशनशिप। तो पक्की बात है एनफोर्सेबल बाय लॉ, पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस एग्रीमेंट में हमारी इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, पक्की बात है एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, और पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस एग्रीमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सोशल एग्रीमेंट का एक एग्जांपल है, ए इनवाइट्स बी फॉर हिज सन्स वेडिंग, बी ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन, दिस इज मेयर एग्रीमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर बींग नो इंटेंशन टू क्रिएट। मान ले बी नहीं आया शादी में तो ए बी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अब दूसरी साइड में देखते हैं, ए ऑफर्ड टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 5 लाख, बी एक्सेप्टेड द ऑफर, सपोज बी फेल्स टू पे द प्राइस, then A must file suit against him because this is a, यहां पर हुआ है A ने B को एक ऑफर दिया कार बेचने का 5 लाख रुपए में, B ने बोला ओके आई विल बाय योर कार फॉर रुपीज 5 लाख, हेयर ये ऑफर है, ये चीज क्या हो गई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाते हैं एग्रीमेंट, पहले बोलो एग्रीमेंट, और ऐसे एग्रीमेंट ये क्या बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, प्योर बिजनेस एग्रीमेंट है। ऐसे एग्रीमेंट जो बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई भी पार्टी अगर नखरा नुखरी करती है, मतलब ब्रीच करती है, तो फिर जिसके साथ में ब्रीच हुआ है वो पार्टी जिसने ब्रीच किया उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, यस, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कंसिडरेशन होना चाहिए मॉनेटरी, ठीक है, मोनेटरी होना चाहिए, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मैटर नहीं करता, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, वैल्यूएबल हो सकता है। अब जैसे मैं आपको ये बॉक्स बेच रहा हूं 200 रुपए में, ठीक है,
मैंने आपको ऑफर दिया ये बॉक्स खरीदोगे 200 रुपये में, आपने कहा यस मैं खरीदूंगा 200 रुपये में बॉक्स। मैंने ये बॉक्स आपको दिया, आपने मुझे 200 रुपये दिए, आप घर गए आपने बॉक्स खोला तो ये साइड इस हाथ में, ये साइड इस हाथ में, चाइनीज बॉक्स निकला। बताओ मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो? ये बिजनेस एग्रीमेंट है। कैसे पता चला बिजनेस एग्रीमेंट है? हम दोनों का यहां मोनेटरी टर्म है, ये मैंने आपको बेचा है ना, ये आपका बिजनेस है। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि व्यापार, अब मैं आपको ये बेच रहा हूं, आपने मुझे पैसा दिया, पूरा बिजनेस एग्रीमेंट है। प्रॉमिस किया ना, फिर चैरिटी पे अटके क्यों हुए हो इतनी देर से? यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन, सबसे लास्ट टॉपिक में चैरिटी आएगा, ठीक है, वहां आपको बताऊंगा, इससे आगे बढ़ो। अब चैरिटी में भी चलो ठीक है, आप चैरिटी कर रहे हो तो आपने मुझसे वादा किया, मान लो कि मेरी आंखें नहीं है, ठीक है, आप चैरिटी करते हो, आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा और साथ में एक वो चलने वाली स्टिक और एक ब्लैक चश्मा आपको दूंगा, आपने मुझसे बोला, मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे प्रॉमिस किया, क्या मैंने आपको प्रॉमिस किया? आंख खोल लेता हूं, क्या मैंने प्रॉमिस किया? आपने किया ना, मेरे को होप जागी नहीं जागी? हो गया ओके। अब आपने मुझसे वादा किया और आप भी फिर वही सरकारी नेता निकल गए, मैं खिलाफ आपके खिलाफ केस करूंगा। हाँ आपने मान लो भंडारे का आयोजन किया, कुछ लोगों को बुलाया वो नहीं आए पूड़ी खाने के लिए सब्जी खाने के लिए, तो आप उन पे केस नहीं कर सकते। कर सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस है वो मैं आगे बताऊंगा ना अभी, कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहां रिटर्न हमें नहीं मिल रहा कुछ, तो भी हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। एक टॉपिक आएगा, जनरल कंसेप्ट ये है, अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, जिसमें से एक चैरिटी वाला जो अभी एग्जाम्पल दिया वो भी इंक्लूडेड है। यूनिट नंबर 2 लास्ट टॉपिक आएगा, पेपर में आता सबसे ज्यादा, ठीक है, तो फिलहाल अभी वहां मत जाओ, फिलहाल आपको यहां रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एन एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो उसको क्या कहते हो? कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। ऑल वेल, एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर इच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं, एक सोशल होता है, एक बिजनेस होता है। सर सोशल एग्रीमेंट में आपकी कभी भी इंटेंशन नहीं होती कि आप लीगल रिलेशन बनाओ, तो पक्की बात है जिसमें इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने की, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा, और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखे जरा कंक्लूजन पे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, देखो एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर जनरली सोशल एग्रीमेंट आर जनरली बिजनेस एग्रीमेंट आर। कैसा लगा जी? ये तो था अभी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। 3 बातें बता दी है मैंने आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, एक एग्रीमेंट का मतलब, एक एग्रीमेंट का टाइप। चौथी बात है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से समझना मेरे को, नोट वोट कुछ नहीं करना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्रिएशन मतलब इसको बनाते कैसे, क्रिएशन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक को आप बोलते हो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, पहले हम एक्सप्रेस की बात करेंगे। ये बताओ एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बोलते हैं, या तो एक्सप्रेस मैं कर सकता हूं ओरल में, अभी क्या कर रहा हूं, या मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, ये मैंने क्या किया, रिटर्न या ओरल। जैसे सुबह दूध लेने गए थे बेटे, रिटर्न किया था, लीगल पेपर लेके गए थे, दूध वाले से भाई ठप्पा मार, कान पे मारेगा चांटा, अरे 1.5 किलो दूध लेके जा रहा है, ठप्पा मरवा रहा है यहां से, है ना। या ऑटो वाले को मान ले, मैं ऑटो कर रहा हूं, मैंने कहा भैया, अरे सबसे गंदा सीन, मैं चिराग दिल्ली से आ रहा हूँ शेख सराय, उसका मैंने ऑटो किया, एक तो उसको गुस्सा आएगा बहुत, चिराग दिल्ली में मैं खड़ा हूं, मैंने कहा भैया शेख सराय चलोगे, वो मन में सोचा साले पैदल नहीं जा सकता, चलो उसने बोल दिया हाँ भाई चलेंगे, मैं कितने पैसे लोगे, उसने कहा भैया 50, मैं कहा 40 दे दो, ठीक है बैठ जाओ, एक मिनट रुको। अब उतारा मैंने बैग, मैंने लिखा ये गाड़ी नंबर DL1PC8637, भैया आपका नाम क्या है, अनिल कुमार, पापा का नाम ये, रेजिडेंस ये, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये, गाड़ी का चेसिस नंबर ये, इंजन नंबर ये मुझसे एग्री करता है कि ये मुझे शेख सराय छोड़ेगा 50 रुपए में, भैया साइन करना, देखा तो ऑटो गायब। चल ऑटो गायब नहीं हुआ, अब मान लो उसको बोलो साइन करो, बोले भैया 1 मिनट रुक जाओ बस। एक तुमने देखा ऑटो का हैंडल होता है, वो ऐसे ऐसे उठाता है, देखा है, वो पहले हैंडल को सनी देओल की तरह तोड़ेगा और पहले फिर मुझे मारेगा, इधर साले इतनी देर में 250 रुपए कमा के आ चुका होता मैं, बताओ करोगे ऐसे एग्रीमेंट। तो बहुत सारी जगहों पर बातें हम ओरल में करते, बुध बाजार में 10 रुपए की कोई चीज ले रहे हो, बोलो कानूनी पेपर पे साइन करिए, तो वो यहां करेगा, ठीक है। लेकिन जब बात होती है मेजर मेजर प्रोडक्ट खरीदने की, जैसे कि मैं ये लैपटॉप लेकर आया, कैमरा लेकर आया, एयर कंडीशन लेकर आया, ये टेलीविजन लेकर आया, प्रोजेक्टर लेकर आए, तो बताएं यहां पर हम सारे एग्रीमेंट कैसे बनाते, हम यहां पर राइटिंग में बनाते, बन तो सब बिजनेस एग्रीमेंट रहे हैं, चाहे ऑटो वाले से बना रहा हूं, दूध वाले से, मोमोज वाले से, चाहे यहां से। मैं आपको बताता हूं, एक मैं अभी 4 दिन हॉस्पिटल में था, 23, 24, 25, 26, 26 की शाम यानी कल। हाँ बेटे होगी अभी थोड़ा सा बस, हाँ बैग रख, ठीक है। तो अभी मैं हॉस्पिटल में था, तो एक मेरा रूम अलग था, एक दूसरे रूम में एक बच्ची थी कुछ 13-14 साल की, तो वो बच्ची वहां पर आई थी, उसकी बेहद तबीयत खराब थी, क्यों, उसने मोमोज खाए थे, मतलब मैंने सुना तो मेरे को भी शौक लगा, मैंने कहा यार इतना ज्यादा वो, तो उन बंदों ने जो उनकी जिनकी बेटी थी, उन्होंने वो मोमोज मोमोज वाले का पूरा कंप्लेंट किया हुआ, मोमोज वाले ने खुद ही उसको बनाता था, उसकी पूरी जांच हुई बकायदा, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट वो मोमोज जब खाए होंगे तो बताओ ओरल में खाए होंगे या स्टैंप ड्यूटी भरवाई होगी, बे मोमोज ने एक प्लेट उसने दे दी खा ली, समझ गए, ऑल वेल। तो भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी बन सकता है, और ओरल कैसे बनता है, टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जनरली, रिटर्न कैसे होता ऑन पेपर, आपने देखी होगी पूरा अच्छे से लिखते हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह देखा है कहीं, रिटर्न में होता है वो। देखो यहाँ क्या है, एक्सप्रेस, अभी आज सिर्फ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इम्प्लाइड से हम अगली क्लास में करेंगे। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ओरल है, ओरल में देखो क्या लिखा, वर्ड्स ऑफ माउथ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेलीफोन या फेस टू फेस, जैसे आपने मैडम से बनाया होगा पहले ओरल में बनाया होगा,
रिटर्न में बाद में मिला ना आपको पर्ची वर्ची, और रिटर्न क्या होता है, कोई लेटर और ईमेल के थ्रू आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, समझ गए। तो आज मैं आप लोगों को यहीं छोड़ता हूं। अच्छा सुन लो, कल एक दिन और